Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video lecture, we will discuss about the GST question paper for the year 2020-22. देखिए ये जो पेपर है दैट इज GST एक कोर पेपर है एंड ये हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर दी बी कॉम ऑनर्स जो कि एज पर सी बी सी एस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम वो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए 2022 में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं वो अब ऑफलाइन हुए हैं, यानी कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड 2 साल बाद ही एग्ज़ाम हो रहे हैं. सो आई थिंक उसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने इस बार पैटर्न थोड़ा बहुत इजी बनाया है जीएसटी का. एंड फाइनल का ये जीएसटी का पहला पेपर था एंड आई थिंक स्टूडेंट्स जो हैं इस पेपर देख के काफ़ी रिलैक्स हुए होंगे बिकॉज इस बार जीएसटी में एग्जामिनर यूनिवर्सिटी ने बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पेपर बना दिया, जो कि मैं देख रहा हूँ 2017 से जब ये पेपर आया है ये तब से लेकर अब तक अगर कंपेयर करो तो ये सबसे ज़्यादा ईजी पेपर आया. सो मैंने देखिए पर्सनली मैंने ये कुछ पेपर्स भी चेक किए हैं. सो मैंने ये नोटिस किया है कि ऑन एन एवरेज 65+ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छे से स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 75. सो अगर कोई लेस देन 65 लेके आ रहा है सो दैट मीन्स देर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग, उसके कंसेप्ट जो है अच्छे से अब तक क्लियर नहीं हुए थे. ठीक है, बट फिर भी देखिए बेटर क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर जो है ये पूरा पेपर डिस्कस करूँगा ताकि आपको एक पेपर का जो एक तो पैटर्न है वो ईजिली पता लगेगा, प्लस आपको एग्ज़ाम में आंसर कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा. तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज जीएसटी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, आल्सो डिस्कस द रैशनल ऑफ जीएसटी. देखिए जीएसटी का ये पहला क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल पूछा है. जैसे पूछा व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या होता है. देखिए जो मैंने आपको लाइव लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आपसे पूछे कि जीएसटी क्या होता है तो आप जीएसटी की डेफिनेशन ना बता के उसकी फीचर को समझाओ. जैसे कि जीएसटी क्या है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स. क्यों? बिकॉज ऑल दी टैक्सेस बिफोर द जीएसटी, चाहे वो कोई भी टैक्स हो, दे ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर सब्स्यूम्ड इनटू जीएसटी, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स. ठीक है, देन सेकंड वन दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेज टैक्स बिकॉज जीएसटी बेसिकली एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ स्टेजेस, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज एंड देन लास्ट अप टू दैट इज सेल. ठीक है, तो जैसे कंज्यूमर के हाथ में पहुंचता है तब तक पूरा जीएसटी का पूरा चैनल कैसा होता है, वो मल्टी स्टेज, यानी कि हर स्टेज पे सिर्फ जीएसटी लगेगा और कुछ नहीं लगता. ठीक है, तो इसके मैंने आपसे चार मैंने आपसे फीचर डिस्कस किए थे, वो आप यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हो तो आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हो. देन सेकेंडली दे हैव आस्क अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी. स्ट्रक्चर इन द सेंस दे आर आस्किंग अबाउट द कलेक्शन, दैट मीन्स इसका कलेक्शन कैसे होता है. देखिए कलेक्शन डिपेंड करता है कि उसका लेवी कैसे हो रहा है, यानी डिपेंड करता है कि उसका किस टाइप का जीएसटी लग रहा है. आपको पता है यहाँ पर जीएसटी के एक्ट हैं, जैसे सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, ठीक है ना, आईजीएसटी एक्ट. तो वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो नेचर ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी एक्सप्लेन करना है. एंड देन थर्ड वन दे हैव आस्क्ड अबाउट द रैशनल ऑफ जीएसटी, दैट मीन्स दी एडवांटेजेस. अब आपको पता है अगर आपको ये अच्छे से पता तो आप एडवांटेज आप इजी ले सकते हो, जैसे कास्ट कटिंग रिमूव हो गया, ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स में आपके टैक्सेस हो गए, हट गए आपके, ट्रांसपेरेंसी आ गई इससे आपकी, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं अल्टीमेट जो है यहाँ पर बर्डन देखो कंज्यूमर से हटा दिया. आपको पता है जब कास्ट कटिंग हट गया तो MRP काफ़ी रिड्यूस हो गई होगी. ठीक है, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन था पहले, अब वो भी ख़त्म हो गया. कहते हैं यूनिफॉर्मिटी आ गई अब टैक्सेशन में. ठीक है, पहले ये नहीं पता था कि गुड्स क्या हैं, सर्विस क्या हैं, अब क्या यहाँ पर कि जो डबल टैक्स आता था कि गुड्स पर अलग सर्विस पर अलग, वो भी हट गया. तो यहाँ पर बहुत सारे आप एडवांटेजेस आप देख सकते हो. तो देखिए पूरा ये कंप्लीट जो है आपका ये 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स पर आप अच्छा इसको इस पर एक्सप्रेशन दे सकते हो. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. इसी के साथ यहाँ पर जो है इन्होंने एक और यानी इंटरनल चॉइस दी है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्या इंटरनल चॉइस में क्या दिया है. मिस्टर अविरल इज अ सप्लायर ऑपरेटिंग इन गुजरात
ही मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द ईयर 2020-21। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 2 लाख, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स 10 लाख, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर चार्ज दैट इज 3 लाख, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज टू इट्स हेड ऑफिस इन गुजरात 50,000, सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स 50,000, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 3,25,000। तो हमसे पूछा क्या, देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर अबीरल। तो देखिए मींस एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा। अब देखिए हमसे फर्स्ट जो ये ऑप्शन जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट है एग्रीगेट टर्नओवर, आपके माइंड में आया होगा कि ये किस चैप्टर से लिंक कर रहा है, ऑब्वियसली फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो इसके हमसे टर्नओवर पूछ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि आउटवर्ड सप्लाई क्या क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिए याद करिए रजिस्ट्रेशन चैप्टर हमने क्या पढ़ा था कि आउटवर्ड सप्लाई में टर्नओवर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग एनी टाइप ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका टर्नओवर में आपका क्या इंक्लूड होगा, टर्नओवर में आपका देखिए क्या क्या इंक्लूड होगा, 2 लाख प्लस 10 लाख प्लस 3 लाख। याद रखना ये यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सारे तो रिवर चार्ज है, डियर रिवर चार्ज जो है बट ये किस पे है, आउटवर्ड पे है, और हमसे क्या पूछ रहे हैं टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सप्लाई। ठीक है, यानी कि सेल। ठीक है, तो आउटवर्ड सप्लाई तो सेल ही हुआ। अब सेल चाहे कुछ भी हो, इन रिवर चार्ज हो या फॉरवर्ड चार्ज, हमें क्या मतलब, सप्लाई तो सप्लाई हुई है, टर्नओवर तो टर्नओवर होता है। ठीक है, तो रिवर चार्ज है, ये मत समझना कि इस बार इसको इंक्लूड कैसे करेंगे। हाँ, अगर ये इनवर्ड होता तो हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर टर्नओवर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिवर चार्ज है वो आउटवर्ड पे, इसलिए हम यहाँ पर इसको इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज टू इट हेड ऑफिस इन गुजरात, यस यहाँ पर आप पाएगा 50,000। देन सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, क्या देखना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए हमें सारे टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो है वो सॉरी सारे टाइप्स ऑफ सप्लाई है वो सब हमें इंक्लूड करना होती है। देन इंटरस्टेट सप्लाई ऑब्वियसली भी आएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, जितने भी टैक्सेस हैं जितने भी सप्लाई हुई है वो सब इंक्लूड होगा यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो हमने जीएसटी में क्या पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी सप्लाई है चाहे वो कोई भी सप्लाई हो, सब तरह की सप्लाई यहाँ पर जो इंक्लूड होगी। राइट, तो बस आपको हम टोटल कर देंगे, तो देखिए टोटल क्या बना, दैट इज 19,25,000। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कवर हो गया आपका, बी पार्ट क्या पूछ रहे हैं, इज मिस्टर अविरल लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड व्हाई। सो यहाँ पर आपको देखो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपके सेक्शन थे आपके, दैट पहले बात करते हैं हम सेक्शन 22 की। 22 सेक्शन क्या बताता है आपको कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख या 20 लाख से ऊपर है तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन में वो लायबल है। ठीक है, तो अगर हम 22 की बात करें तो देखिए कौन से स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर, गुजरात स्टेट की बात हो रही है, जो कि कोई ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो है नहीं, नॉर्मल स्टेट में आ गया। तो यहाँ पर टर्नओवर की लिमिट क्या होगी, दैट इज 20 लाख। तो देखिए एज पर 22 तो इसका टर्नओवर जो है वो 20 लाख क्रॉस नहीं करा, तो एज पर 22 वो लायबल नहीं है। बट यहाँ पर एक जो सप्लाई है जो कि है इंटर स्टेट सप्लाई, तो 24 सेक्शन क्या कहता है कि अगर किसी भी पर्सन ने अगर इंटर स्टेट सप्लाई किया है सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट दैट पर्सन वुड बी लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, मीन्स कंपल्सरी लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, आपको देखना होगा एज पर सेक्शन, आपको देखना होगा यहाँ पर एज पर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर लायबल हो जाएगा। दैट्स इट। तो देखिए इसके कुछ कितना सिंपल, देखो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट 6 मार्क्स का है, मीन्स आपने आंसर निकाला आपको 6 मार्क्स आपके हाथ में, आपने इसको लिखा यस दिस पर्सन इज लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एज पर सेक्शन 24, आपको यहाँ पर 2 नंबर और मिल जाएंगे। देन लास्ट पार्ट देखिएगा क्या, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर अविरल
वुड हैव बीन सप्लायर ऑपरेटिंग इन नागालैंड। अब नागालैंड क्या है, यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, ठीक है। तो उसकी देखिए लिमिट क्या होती है, दैट इज 10 लाख, ठीक है। अब 10 लाख तो क्रॉस कर गया, तो यस इसमें भी वो लायबल हो जाएगा, तो दोनों ही केस में वो लायबल हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल है। देखो तो 10 मार्क्स का देखिए, हमने यहाँ पर इंटरन चॉइस है, फर्स्ट आपसे पूरा थ्योरेटिकल पूछा, सेकेंड में आपसे पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है। देखिए अगर आप प्रैक्टिकल पार्ट अटेंड करते हो तो देखो दैट वुड बी हाई चांसेस टू गेट मोर स्कोर, ठीक है। वैसे जीएसए देखा जाए तो ये काफ़ी हाई स्कोरिंग है, और इस बार पेपर का पैटर्न भी इतना ऐसा बनाया है कि बच्चों के लिए और हाई स्कोरिंग हो गया। चलिए नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर टू, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेक सप्लाई एंड कंपोज सप्लाई। देखिए कितनी बार मैंने एग्जाम्पल मैंने ये क्लास में बोला हुआ है कि ये क्वेश्चन तो जनरली एग्जामिनर पूछता पूछता है, मुझे लगता है शायद एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। मीन्स कई बार शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, कई बार डिफरेंस पूछ लेंगे, किसी न किसी में तो आपको ये पूछेंगे पूछेंगे थ्योरेटिकल में कि मिक्स सप्लाई का होता है कंपोज सप्लाई का होता है, ठीक है। तो आपको पता ही है थ्योरेटिकल में पढ़ा है कि कोई भी अगर सप्लाई अगर मिक्सचर है, मीन्स मल्टीपल टाइप ऑफ गुड्स या सर्विसेज अगर इंक्लूड होती है और वो एक ही बार को सप्लाई कराए तो वो क्या होता है आपका मिक्स सप्लाई एंड कंपोज सप्लाई। मिक्स सप्लाई में क्या होता है, आपका जो टैक्स होता है वो हाई रेट के अकॉर्डिंग होता है, बट कंपोज सप्लाई में टैक्स फ्री होता है प्रिंसिपल के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको देखो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको देखो आंसर लिखना कैसे है। पहले आपको प्रॉपर मीनिंग बताना पड़ेगा कि मिक्स सप्लाई क्या होता है, इसके बाद आपको जो है मिक्स सप्लाई करने के बाद आपको एग्जाम्पल के थ्रू में समझाना है कि मिक्स सप्लाई में जो उसका टैक्स टैक्स कैसे लगेगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर दी कंपोजिट सप्लाई एज वेल, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से ब्रीफली आपको एग्जाम्पल के साथ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू दी 10 मार्क्स। देन दे आर आस्किंग फॉर दी शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिशन लेवी। देखिए आपको अच्छे से पता है कंपोजिशन लेवी क्या होता है, दैट इज दिस इज एन ऑप्शन स्कीम फॉर दी स्मॉल सप्लायर। अब वो क्यों है, कैसे है, मीन्स हु आर दी एलिजिबल पर्सन टू गेट दिस ऑप्शन, तो आपको बताना है। पहले तो आपको सिंपल 10 मार्क्स का क्या सुना है, पहले तो आपको बताना होगा कि व्हाट इज कंपोजिशन लेवी, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि कौन पर्सन है जो इस ऑप्शन को लेने के लिए लायबल है या एलिजिबल, कहते हैं क्राइटेरिया इसमें क्या होता है। इसके बाद जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की एक लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, सेम फॉर दिस एज वेल। आपको बताना पड़ेगा कौन से स्टेट के लिए कितनी कितनी लिमिट है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 मार्क्स में आप उसका छोटा सा भाग में आप बता सकते हो कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स फॉर दी सप्लायर एज वेल एज फॉर दी कंज्यूमर एज वेल। दैट्स इट, तो 10 मार्क्स में आपको इस तरह से आपको एक्सप्रेशन देना है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर टू था, और टू का जो ये ऑप्शन दिए, ऑप्शन इसमें भी इंटरनल चॉइस है, तो ये आपको पूरा पहला जो था वो आपका थियोरिटिकल बेस्ड था, और नेक्स्ट पार्ट आपको पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। देखिए क्या पूछा हमसे, मिस जया सप्लाइड गुड्स टू एबीसी लिमिटेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस पे मिसेस जया ने जो है एबीसी लिमिटेड को कुछ सप्लाई करी है। क्या पूछ रहे हैं, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, यानी कि क्या पूछ रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड आगे आपका। तो देखिए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय एबीसी लिमिटेड दैट इज 12th May 2022, डेट ऑन विच एबीसी मेक्स पेमेंट एंड रिकॉर्ड्स इट इन द बुक्स और अकाउंट दैट इज ऑन 29th May 2022, देन डेट व्हेन पेमेंट वाज डेबिटेड इन एबीसी लिमिटेड इन बैंक अकाउंट दैट इज 30th May, एंड देन डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस दैट इज 4th May। देखो अगर आपको इसका क्राइटेरिया पता हो, देखिए टाइम ऑफ सप्लाई हमने क्या पढ़ा था, हमें रिवर चार्ज बेसिस में देखना है। देखिए हमने ये पढ़ा था सेक्शन 22(12)(3) के अकॉर्डिंग रिवर चार्ज में क्या पढ़ा था, किस केस में किस चीज कंपेयर करना है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। देखिए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स कितना है, यहाँ देखिए अगर हम लिखे हैं डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स तो वो कितना है, दैट इज 12th May, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहे हैं, डेट ऑन विच एबीसी मेक्स पेमेंट एंड रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो देखिए वो कहाँ पर कौन से कैटेगरी में लाई करेगा, वो यहाँ लाई करेगा दैट इज डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट हमने हमने क्या पढ़ा है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड डेट ऑफ एंट्री एंड सो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डेट ऑफ
डेट ऑफ पेमेंट कलेक्टेड, राइट। तो जो भी अलेयर होगा वो हम डेट ऑफ पेमेंट लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आप डेट ऑफ पेमेंट लेके चलें तो इसमें आपको दो डेट दी हुई है, एक दी हुई आपको 29th ऑफ मे एंड 30th ऑफ मे। मैं देखना है आपको अर्लियर, राइट। फिर दिया होगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस। इसमें क्या डेट दी जाएगी, दैट इज ऑन 4th ऑफ मे। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें देखो क्राइटेरिया लिखे हैं, पे क्या बोला होगा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस। तो आपको 30 डेज आपको आपको ऐड ऐड करके चलनी है, ठीक है। तो देखिए मई का जो दिन होता है वो पूरा मंथ जो 31st का होता है, तो दैट मीन यहाँ पर हो गए 28 डेज फॉर मई एंड देन 2 डेज फॉर जून, राइट। तो यहाँ पर आपका रहेगा दैट इज 3rd of June, 3rd of June हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अर्लियर देखो क्या हुआ आपका, इसमें अर्लियर हुआ आपका दिस, दैट इज 29th of May। तो देखिए अगर हम अब हम ओवरऑल कंपेयर करें, इसमें डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस, अर्लियर क्या हुआ दैट इज 12th of May। तो ये आपका आंसर है, दैट्स इट। और देखिए कितना सिंपल है, आपको सिर्फ ये लिखना था, इसका प्रोविजन सुनना था कि एज पर सेक्शन 1213। अगर आप सिर्फ ये चार्ट भी बना देते, चार्ट बनाने के बाद आप इसको ऐसे कंपेयर करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और देखिए फर्स्ट पार्ट इसमें जो आपका ये कितना मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का हुआ, हाँ ये 8 मार्क्स का हुआ। देखो 8 मार्क्स हो कितने कितने सिंपल है, 8 नंबर का क्वेश्चन कितना सिंपल, फुल मार्क्स आने चाहिए इसमें। बोलते हैं चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट बी पार्ट। मिस सोरभी इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मध्य प्रदेश, ट्रेवल फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली बाय डिलक्स बस, द बस इज ऑन बाय मैजिक ट्रेवल्स लिमिटेड, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नेचर ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखना है प्लेस ऑफ सप्लाई में, प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको देखना है कि किस टाइप की सप्लाई हो रही है, सर्विस की हो रही है कि गुड्स की हो रही है। यहाँ पर देखिए जो मिसोर भी है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू दिल्ली, ऑब्वियसली वो किसकी सर्विस ले रही है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की वो सर्विस जो वो अवेल कर रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स की आ गई। तो देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था, प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 10 था आपका, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, और गुड्स था आपका 11 गुड्स था, लेकिन ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के केस में था, सेक्शन 12 भी आपका आ गया। और देखते हैं यहाँ पर आपका आएगा ये ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स। तो देखिए यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर बी टू बी है तो क्या होना चाहिए, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, बट बी टू सी है तो क्या होना चाहिए, प्लेस वेयर पैसेंजर्स एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी, यानी कि जहाँ से अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है उसी प्लेस से उसको हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या क्या आंसर देखो किस तरह से आपको अटेंड करना है, आपको ये यहाँ से देखना है इस क्वेश्चन को आपको अटेंड कैसे करना है। तो बस आपको यहाँ पर लिखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है ना। तो मैं सूर्य भी देखिए कहाँ से जर्नी कहाँ से छत्तीसगढ़ से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। लोकेशन सप्लायर देखो, लोकेशन सप्लायर आप देखना पड़ेगा कि वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है मैजिक ट्रैवल लिमिटेड, कहाँ पर रजिस्टर्ड है कुछ लिखा नहीं है। देखो कंपनी है ऑब्वियसली रजिस्टर्ड तो होगी, मतलब 90% केस में तो कंपनी रजिस्टर्ड होती है जीएसटी में, बट मान लीजिए चलो रजिस्टर्ड है या नहीं, चलो वो बात ही बात है, लेकिन वहाँ पर ये भी मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में कि जो बस एजेंसी है या बस जो बस कंपनी है जो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो एक्चुअली में रजिस्टर्ड है कहाँ पे, क्या वो छत्तीसगढ़ में है, क्या वो दिल्ली में है, कहाँ पर है,
या तो जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई है तो वहाँ पर वो कंपनी जो है रजिस्टर्ड है, या जहाँ पर जर्नी एंड हो रही है वहाँ पर कंपनी जो रजिस्टर्ड है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो देखिए इस केस में आपके देखिए दो आंसर हो जाएंगे। लोकेशन सप्लायर पहले केस में यहाँ पर छत्तीसगढ़ लेके चलोगे आप, और यहाँ पर लिखोगे कि वी हैव अज्यूम्ड दैट दी मैजिक ट्रेवल्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो आप इसमें आपका नेचुरल सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, दैट इज CGST एंड SGST, दैट्स इट। सेकेंड ऑप्शन में आपको देखना आप कैसे लिखना है, बिकॉज में क्लियरिटी नहीं है आपको किस तरह से लिखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई तो सेम हो जाएगा छत्तीसगढ़, राइट, बट इन द सेकेंड केस आपका जो है लोकेशन सप्लाई क्या हो जाएगा आपका दिल्ली। तो इस केस में नेचुरल सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, दैट इज IGST, राइट। तो दोनों केस लिखोगे तो इसमें आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे, दैट इज 6 मार्क्स। चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट है आपका। सचिन अपैरल्स लिमिटेड इज एन रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ गुरुग्राम हरियाणा, इट अवेल्ड सर्विसेज ऑफ ब्लू डार्ट डिलीवरी लोकेटेड इन दिल्ली फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्लोथ फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई नेचर सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स। देखिए सचिन ने एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने जो है ब्लू डार्ट डिलीवरी की सर्विस ली है जो कि दिल्ली में है। देखिए सचिन कहाँ पर रजिस्टर्ड है, हरियाणा में, और जिससे वो सर्विस ले रहा है वो रजिस्टर्ड कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर सप्लाई किस चीज़ की हो रही है, सर्विस ली उसने किस किस लिए है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की हो रही है फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। तो यहाँ पर देखिए सीधी सीधी बात है, आपको यहाँ पर सेक्शन 10 देखना होगा आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में। सेक्शन 10 देखिए यहाँ पर, देखिए वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, जस्ट अ मिनट, हाँ वेयर वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेंस लाइक वेसल एयरक्राफ्ट ट्रेन और मोटर व्हीकल। तो इस किसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, ठीक है ये होगा इसमें आपका। देखिए इसमें देखो वैसे देखा जाए सिंपल आपका, देखिए सॉल्यूशन बन जाएगा इसमें आपका। देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई तो इसमें आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई दोनों बताने हैं आपको। तो देखो प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पर जो पर्सन जो जो सर्विस ले रहा है वो कहाँ पर है, हरियाणा में, और जो सर्विस दे रहा है लोकेशन सप्लायर वो क्या हो जाएगी, दिल्ली। तो आपका नेचर सप्लाई क्या हो जाएगा इस केस में आपका, दैट इज IGST, दैट्स इट, ठीक है ये भी आपका 6 मार्क्स का है। तो देख सकते देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी हैं वो कितने सिंपल बनाए हैं, किसमें स्टूडेंट आराम से 4 मार्क्स ला सकते, राइट। चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल टू प्रकाश लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन इन दिल्ली इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड इन द मे ऑफ इन इन द मंथ ऑफ मे 2022। तो देखिए हमें देखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की उसको कौन कितने कितने अमाउंट की उसको एलिजिबल है, ठीक है हमें यह बताना है कि कौन कौन सा जो आइटम है वो एलिजिबल होगा। देखिए अगर हम क्वेश्चन देखें, पहला पूछा दैट इज सीमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग अमाउंटिंग ₹50,000। देखिए इसमें क्या बोला हुआ, देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है हमें ITC देखना है। अगर आपने ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो हमें क्या पढ़ा, दैट इज एज पर सेक्शन 17(5), आपको यहाँ पर रीजन भी देखो लिखना होगा कि रीजन किस तरह लिखना पड़ेगा आपको। As per section 10(5), ITC will not be given in respect to goods and services or both for what for the construction, reconstruction, renovation, addition or any kind of repair of an immovable property. ये immovable property है, right? Except where it is an input service for further supply of work
सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पर जो है कोई पर्सन जो है वो अपने बिल्डिंग पे जो है वो रिनोवेट का काम कर रहा है, एडिशनल फ्लोर फुल बना रहा है, ठीक है। तो उसका जो है कोई फर्दरनेस ऑफ बिजनेस के लिए तो है नहीं है कि उसको आगे फर्दर बिजनेस क्या कर रहा है, वो अपने अपनी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो कुछ भी करें, हमें क्या करना। तो इसका बिजनेस से कोई लेन देना नहीं है, तो इसका यहाँ पर उसको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखो आपको अटेंड कैसे करना है, आपको आपको बस इतना है यहाँ पर ऐसे कि ITC एडमिसिबल अमाउंट, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 10(5) के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, पहला अमाउंट में सिर्फ डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूँ, पहला अमाउंट अपने को लिखना है डैश, सेकेंड में देखो क्या होगा पैकिंग जार्स परचेज, ठीक है। देखो ऑब्वियसली ये तो देखो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है, ठीक है। तो ये तो आप आएगा ही आएगा 30,000। नेक्स्ट गुड्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड आफ्टर मेकिंग फुल पेमेंट, टैक्स इज नॉट येट डिपॉजिटेड बाई एक्स लिमिटेड। हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप किसी से कोई भी सामान को परचेज कर रहे हो, तो जिसने आपने आप दोनों रेसिपिएंट है, दैट मीन्स आपने जो सप्लायर को फुल अमाउंट पेमेंट की होगी इंक्लूडिंग GST। अगर आपको उसको ITC लेना है तो उसकी कंडीशन क्या है कि जिस आपने जिसे सामान खरीदा है वो उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हो, ठीक है। तभी तो आप ITC क्लेम कर सकते हो, नहीं कर सकते बिकॉज आप ITC ले कैसे रहे हो गवर्नमेंट से, अब गवर्नमेंट के पास वो टैक्स पहुंचा ही नहीं है, तो आप ले कैसे सकते हो, ले नहीं सकते। तो इस केस में 40,000 का जो है आपको ITC नहीं मिलेगा। नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये भी नहीं मिलेगा। देन इक्विपमेंट यूज फॉर टेस्टिंग क्वालिटी, देखिए आप बस थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट पूछ, थोड़ा लॉजिक लगा, साइंस कॉमन सेंस यूज करोगे। बिजनेस है, उसने कोई सैंपल मार्केट से खरीदा, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए तो ऑब्वियसली उसने GST पे करा होगा, और वो फर्दरनेस ऑफ बिजनेस के लिए है तो वो तो आएगा ही आएगा। सो दैट मीन्स दिस अमाउंट इज टू बी एडिड बैक फॉर दी ITC एडमिसिबल। नेक्स्ट मटेरियल यूज फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, दी अमाउंट वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट टू द सेड कंपनी। देखिए अगर आपको P&L अकाउंट अच्छे से याद हो गया, P&L अकाउंट में देखिए आप डेबिट साइड में क्या कर रहे हो, वो रिपेयर के केस में अमाउंट दिया दैट इज 40,000 डेबिट कर दिया। सो दैट मीन्स उस पर्सन ने अगर उसको कैपिटलाइज नहीं करा, उसने उसको एज एन एक्सपेंस मान लिया, उसने P&L अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। तो हमने देखो क्या पढ़ा था कि कोई भी पर्सन जो है डबल बेनिफिट नहीं ले सकता कि P&L अकाउंट में भी उसको वो ऐड करे और फिर बाद में उसको ऐड करे, लेकिन P&L अकाउंट में उसने उसको कैपिटलाइज नहीं करा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर अब ये पर्सन जो है यहाँ पर ये अमाउंट लेने के लिए वो एलिजिबल है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसमें 40,000, ठीक है। तो रीजन ऑफ इसे तो कि भाई जैसे सिंस एज पर सेक्शन 16(3), हाँ 16(3), इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट, द इनपुट टैक्स पेड ऑन सच कैपिटल एसेट विल नॉट बी अलाउड एज ITC, एंड इन दिस केस सिंस द रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग आर नॉट कैपिटलाइज्ड एज एक्सप एंड इट इज शोन एज एक्सपेंस इन द P&L अकाउंट, हेंस नो डेप्रिसिएशन विल बी क्लेम्ड on the cost, therefore ITC would be allowed. That's it. Then next one, that is stationery. Obviously it is for the furtherance of business, so that means this would be added back to admissible amount. Then goods received and used to make taxable goods, same that would be also added back. क्यों? Because ये कोई furtherance of business के लिए ना, तो वो तो add हो गई. Then motor vehicles with sitting capacity of 14 टू बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर सीटिंग कैपेसिटी 12 या 12 से कम है, ठीक है, तो फिर उसको ITC नहीं मिलेगा, बट उससे ज्यादा है तो मिलेगा, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन सॉफ्ट ड्रिंक टू बी यूज इन कैंटीन, इसका तो मिलेगा ही नहीं, इसका नहीं मिलता, ठीक है ना, इसका ITC आपको नहीं मिलेगा। रीजन भी क्लियर हो गए कि नो ITC इज अलाउड ऑन फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, इसका आम इन सबका ITC नहीं मिलता।
जस्ट टू मेक अ टोटल, सो द टोटल वुड बी 3,11,000. दिस इज द एडमिसिबल अमाउंट फॉर आईटीसी, राइट. तो देखिए ये पूरा आपका जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन था. इसमें आपसे सेकंड पार्ट पूछा है, एक्सप्लेन द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवर चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सर्विसेज. देखिए जितनी मैंने अब तक जितनी नंबर ऑफ कॉपीज मैंने चेक करी है, यहाँ पर मुझे मेजरली जो मिसिंग पार्ट क्या लगा कि यहाँ पर स्टूडेंट ने रिवर चार्ज मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं करा कि होता क्या है. देखिए थ्योरेटिकल है तो आपको बेस, तो बेस जो फाउंडेशन है वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि व्हाट इज रिवर चार्ज मैकेनिज्म क्या है एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. फिर आपको इसका थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते हैं, ठीक है. फिर आप इसका अपने प्रोविजन कुछ पॉइंट बता सकते हो कि कौन कौन से केसेस में यहाँ पर जो है आरसीएम एप्लीकेबल होता है. दैट्स इट, ऑलराइट. सो ये आपका 10 मार्क्स का हो गया. चलिए अब ये और पार्ट में आपका आ गया है, थर्ड क्वेश्चन है, स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन फॉल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. यानी कि कुछ आइटम थी हमें हमें बस उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन जो जिस पे आरसीएम होगा एंड किस पे एफसीएम होगा. दैट्स इट. बट हमें साथ में रीजन भी लिखना है. चलिए फर्स्ट पॉइंट आपका दैट इज स्पॉन्सरशिप सर्विसेज गिवन बाय कॉलेज नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू रिलायंस लिमिटेड. देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी बॉडी जो है यानी कि जो स्पॉन्सर दे रही है किसको दे रही है, अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, उनको दे रही है, तो इस केस में क्या होगा आपका आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है. देन सेकंड वन सप्लाई ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज. देखिए कंसल्टेंसी सर्विसेज तो वैसे भी आपका कोई मतलब स्पेसिफाइड कहते हैं कैटेगरी गुड गुड्स या सर्विस है नहीं, इसमें क्या आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हांगकॉन्ग. देखिए हांगकॉन्ग यानी कि इम्पोर्टेशन कोई भी सर्विसेज हो तो उन पर हमेशा क्या लगता है आरसीएम, यानी कि जो सर्विस ले रहा है वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, कोई आउटसाइडर नहीं होगा उसमें, ठीक है. बिकॉज यहाँ पर जो है हाँ अच्छा यहाँ पर ना केस ये हो सकता है कि टू इंडिया तो है लेकिन कौन पर्सन ले रहा है, पर्सन कौन ले रहा है और वो चाहे सप्लाई सर्विसेज कौन सी ये भी नहीं पता. बट हाँ ये तो पक्का है कि इम्पोर्टेशन सर्विस का केस है. देखो इसमें आप थोड़े से आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो अपनी कि पर्सन रिसीव कौन कर रहा है, कि पर्सन कोई बिजनेसमैन है या कोई नॉन बिजनेस पर्सन है, यानी कि कोई इंडिविजुअल है. अगर कोई इंडिविजुअल हुआ तो टैक्स कौन पे करेगा, हांगकॉन्ग कंपनी, यानी कि फिर क्या लगेगा फॉर वो चार्ज. बट बाकी रेस्ट ऑफ टाइम में क्या देगा एफसीएम. अब यहाँ पर बताया नहीं है टू इंडिया किसने करा है, कुछ नहीं लिखा, तो हमने क्या माना किसी इंडिविजुअल ने करा, सॉरी किसी बिजनेसमैन ने करा, तो हमने करा आरसीएम, राइट. जैसे लिख सकते कि सर्विसेज फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू टैक्सेबल टेरिटरी अंडर आरसीएम. देन सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न बाय मैन्युफैक्चरर, इसमें आपको हमने पढ़ा था जब हमने केस पढ़ा था इसमें लेवी एंड कलेक्शन जीएसटी में, तो हमने पढ़ा था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अब ये गुड्स की केस में आपका ये इंक्लूड रहता है, राइट. देन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एडवोकेट. देखिए एडवोकेट में हमने क्या पढ़ा था कि ये सर्विस किसको दे रहे हैं, बिग बिजनेस एंटिटी को या स्मॉल बिजनेस एंटिटी को. थ्रेशोल्ड लिमिट की क्रॉस हो रही है सो दैट मीन्स जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है वही जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है. तो इस केस में आपका क्या आपका क्या लगेगा आपका आरसीएम, आरसीएम यानी कि जो रेसिपिएंट है वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लायक है क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस हो रहा है. अगर क्रॉस नहीं करता तो वो छोटा बन जाता, तो इस केस में क्या जाता है फॉरवर्ड चार्ज लगता है. बट यहाँ पर जो वो बड़े लोग हैं जो सर्विस दे रहे हैं तो वही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं. देन सप्लाई ऑफ फूड कैंस बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन शॉपकीपर टू एबीसी लिमिटेड सिंस दिस टाइप ऑफ गुड इज नॉट इंक्लूडेड अंडर स्पेसिफाइड गुड्स सो दैट मीन्स इन दिस केस इट वुड बी एफसीएम, राइट. अच्छा सॉरी मैंने एक केस छोड़ दिया आपका, सॉरी ये इसमें आरसीएम है. ये क्या देखिए स्पॉन्सरशिप सर्विसेज गिवन बाय अ कॉलेज रजिस्टर्ड नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू सोल प्रोप्राइटर है,
देखिए, किसी सोल प्रोप्रेटर कर रहा है तो क्या होता है, आपका ओवरचार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर आपको अच्छे से याद हो कि यहाँ पर आई गेस मैंने ये एग्जम्पशन पे समझाया हूँ। देखिए अभी मुझे सीट मिल नहीं रही है, बट अगर आप मेरे वीडियो अच्छे देखोगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि इन स्पॉन्सरशिप, देखिए क्या होता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई कंपनी हो, LLP हो, फर्म हो, पार्टनरशिप हो, तो उस केस में तो आपका वो क्या लगेगा, आपका दैट मीन जो सर्विस दे रहे हैं वही आपका रिवर्सल मैकेनिज्म लगेगा, ठीक है। प्लस जो सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग है तो भी लगेगा, ठीक है। बट कोई और जो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या लगेगा आपका, फॉर ओवरचार्ज मैकेनिज्म। चलिए, 8 पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर मिस्टर आकाश, कैब ओनर टू DEF लिमिटेड, रजिस्टर्ड अंडर GST, वेयर मिस्टर आकाश इज नॉट अवेल ITC। देखिए यहाँ पर जो है, जो रेसिपेंट, जो सॉरी यहाँ पर सप्लाई कौन है, मिस्टर आकाश है, तो यहाँ पर उनके पास चॉइस है, या तो वो ITC का बेनिफिट ले या ना ले। अगर वो ITC का बेनिफिट ले लेते हैं तो वे ओवर चार्ज नहीं लेना, तो फिर RCM। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिस्टर आकाश इज नॉट अवेलिंग ITC, ITC का बेनिफिट नहीं लेना चाह रहे, तो इसमें क्या लगेगा आपका, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन सप्लाई ऑफ जॉब वर्क का केस हो गया, तो आपको आंख बंद करके लगा दो, ओवर चार्ज। ये कोई स्पेसिफाइड गुड्स तो है नहीं आपके, या सर्विसेज तो है नहीं अभी। देन सब सर्विसेज ऑफ रिकवरी एजेंट टू बैंक, तो यहाँ पर देखिए छोटा कौन है, बैंक या रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट, तो यहाँ पर अल्टीमेटली बर्डन किसके पे शिफ्ट हो जाएगा, बैंक के ऊपर, क्योंकि बैंक बड़ा है। तो यहाँ पर बैंक कौन है, यहाँ पर बैंक सर्विस ले रहा है, ठीक है, इस केस में करेगा आपका RC है। दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए मीन्स आपको एलिजिबल बताना होगा, पेमेंट कैसे करनी है, आपको पूरा मैकेनिज्म को सुनना पड़ेगा। तो 10 मार्क्स में के अकॉर्डिंग आपको समझाना है। मीन्स पहले आपको बताना है कि ITC होता क्या है, इसका मैकेनिज्म कैसे मिलता है, इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। फिर कंडीशन क्या है कि हु आर दी एलिजिबल पर्सन टू गेट द बेनिफिट ऑफ ITC, वो आपको समझाना है। तो एज पर 10 सॉरी एज पर मार्क्स 10 आपको अच्छे से एक्सप्लेन देना है, राइट। चलिए मैम, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन टैक्स इनवॉइस। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, वो भी कितने में, 7.5 मार्क्स में। टैक्स इनवॉइस क्या होता है भाई, कमाओ बताओ, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। टैक्स इनवॉइस बच्चा बच्चा बिना पढ़े भी लिख देगा, मतलब इट्स एन एविडेंस, किसके लिए है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ITC, ठीक है, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें आप। देन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर, हाँ इसमें आपको टेबल बनानी पड़ेगी, पहले बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेजर्स, 3 लेजर्स है आपके, ठीक है ना, तो वो आपको सुनना पड़ेगा, कैश लेजर, लायबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर आपको सुनाना है, समझाना है उसमें आपको। तो ITC का बेनिफिट कैसे मिलता है ये आपको समझाना है। तो 7.5 मार्क्स में आपको पूरा इसका मैकेनिज्म समझाना है, राइट। तो ये पूरा आपका प्योरली थ्योरेटिकल बेस था। देन पूछा है चॉइस में आपसे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस अंडर GST, एक्सप्लेन द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द पेनल्टीज रिगार्डिंग दिस ऑफेंसेस। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी, कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूरा 15 नंबर में पूछ लिया। बट देखो एग्जाम है, सरप्राइज है, देखो सरप्राइज तो कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं। बट ये भी देखो, अगर आप देख सकते हो कि मोर लेस सब बच्चों ने वैसे यही जो है ऑप्शन अटेम्प्ट किए हैं, बट कुछ सुनने के और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ग्रीवेंसेस सॉरी ऑफेंसेस एंड उसकी पेनल्टीज क्या होती है, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन की भी है। तो मैंने इस पे पूरे वीडियो लेक्चर अच्छे से बनाया हुआ है, तो आप उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन आपका, जो कि किस आपका कस्टम लॉ है।
कि 10 मार्क्स का होगा। तो देखिए पहला पूछा, ये भी चॉइस में आ गया, पहले पूछा है 5 मार्क्स में, ये दोनों ही मिला के जो है 5 मार्क्स का है कि बैगेज क्या होता है और इंडियन टाइटल वाटर वो कितना कितना एरिया है। तो बैगेज में तो आप सब अच्छे से समझाना कि बैगेज क्या होता है, बोनाफाइड बैगेज क्या होते हैं, ठीक है न, आप उसको मतलब कौन कौन पर्सन होते हैं, जैसे मैं जाता था इन्फेंट के केस में, ठीक है चाइल्ड के केस में होगा आपका, जैसे हो गया या जो पर्सन है ठीक है ना, जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो आप 2.5 मार्क्स में अभी सब ऐसे मिलेंगे। देन इंडियन टेरिटरी वाटर में जो हमारा तो बेस लाइन को समझा अच्छे से ड्राइंग करके, उसको एरिया वाइज यानी कि कितना नॉटिकल माइल्स माइल्स हमारा इंडिया का पार्ट है और वो किस किस पर्पज से यूज होता है वो भी आपको सुनाना है। इजी था ये तो। देन प्रोडक्ट एक्स वाज इंपोर्टेड बाय एयर एट CIF प्राइस ऑफ US$1 लाख, फ्रीट US$5,000 एंड इंश्योरेंस US$4,000 वाज पेड। द बैंकर रियलाइज्ड द पेमेंट फ्रॉम इंपोर्टर एट द एक्सचेंज रेट ऑफ $74 ऑन द सेम डेट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम नोटिफाइड द एक्सचेंज रेट एज $73 पर डॉलर। फाइंड द असेसेबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग ड्यूटी। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह करना है आपको। देखिए CIF की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। देखिए हमें जो है ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है क्योंकि कुछ मिस्टेक हुई है, उसने जो क्या करा कि 74 के हिसाब से जो है उसने एक्सचेंज रेट लगा दिया जो कि होना चाहिए था 73 के हिसाब से, क्योंकि वो जो 73 है वही प्राइस लगेगा क्योंकि वो किसने बताया है, एज पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम लो के अकॉर्डिंग ही ये जो है रेट डिसाइड होता है। CIF कितना था, देखिए 1 लाख। अब इसमें जितने भी पहले खर्चे हुए ना वो निकाल दो पहले खर्चे, देखो पहले क्या होता फ्राइट, तो फ्री चार्जेस कितने हैं 5,000 वो लेस कर दो। देन के बाद था इंश्योरेंस 4,000 वो भी लेस कर दो। अब ये क्या है आपके पास FOB प्राइस। अब FOB प्राइस देखिए कितनी आ गई है 91,000, 91,000 ठीक है। अब ऐड क्या करना है, देखिए आपको पहले आपको ऐड करना है फ्री चार्जेस, देखिए फ्री चार्जेस बाय एयर है तो कितना होना चाहिए, दैट कैन बी मैक्सिमम 20% ऑफ FOB अगर एयर के थ्रू आ रहा है तो वो एयर के थ्रू आ रहा है तो दैट मीन 20% ऑफ दिस वैल्यू रहेगा आपका। तो 20% अगर आप निकालोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 18,200, ये मैक्सिमम होगी बट है कितनी 5,000, तो 5,000 की जो है वो एड बैक होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देखो क्या था, या तो वो सर्टेनेबल होगा फिर अनसर्टेनेबल यानी कि या तो गिवन होगा या ना गिवन होगा, नहीं गिवन हो तो कैसे करते हो 1.125% ऑफ FOB, बट यहाँ तो गिवन है कितना है 4,000 तो फिर से उसको हम ऐड बैक करते हैं जो कि कितना आ गया 1 लाख, ठीक है। आप बोलोगे सर इसको करने की जरूरत है, दिखे करने की जरूरत थी आपको यहाँ पर समझाना है ये चीज़ कि ये फ्राइट और ये 4,000 जो है वैल्यू कितनी क्यों आ गया, ये आपने वापस क्यों लिख दी, ठीक है। तो 1 लाख आ गया, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है एट द एंड, 73 से नॉट 74, तो बस आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 73 लाख, दैट्स इट। अब देखो ये पूरा आपका जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी था। देन लास्ट में आपको चॉइस में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो दो पार्ट पूछे हैं 5 5 मार्क्स के, व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफ गार्ड ड्यूटी। इजी था देखो कितना सिंपल है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि GST पेपर देखो इस बार इजी आया है, ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही आएगा, हाँ ये कह सकते हैं कि मोर और लेस आपका पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। अगर पैटर्न चेंज हुआ तो हम आपको नोटिफाई तो कर ही देंगे, बट हाँ मोर और लेस आपका जो पैटर्न यही रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए GST में आपको बस ये समझना है कि आप पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर करने हैं, बिकॉज जब भी आप किसी प्लेसमेंट में आप बैठोगे तो GST जो है काफ़ी हॉट टॉपिक होता है, इसके बारे में आपको बेसिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। प्लस जब आप एक्सटर्नल एग्जाम में जब आप ये पेपर लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो होता है कि आपको नॉलेज है नो डाउट,
बट द थिंग इज आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू बेसिकली अटेम्प्ट और राइट एनी एनी आंसर, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको उसको अच्छे से समझाना चाहिए, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन पेपर दैट इज जीएसटी फॉर द ईयर 2022। थैंक यू।